नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। आइए हम बताते हैं आपको आसपास में हुई बम्पर मूंगफली की पैदावार के बारे में। आपको बता दें कि मंडा क्षेत्र के आसपास और आस पास के गांवों में, जहां रानीवाड़ा क्षेत्र भी लगता है जो जालौर जिले की पंचायत समिति है वहां, और रेवदा तहसील में इस वर्ष मूंगफली की अच्छी फसल हुई है। हालांकि मूंगफली की ये दूसरी फसल है क्योंकि यहाँ पर पानी होने की वजह से किसान दूसरी बार लेता है, लेकिन इसको बेचने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है राजस्थान में, तो उन्हें मजबूरन गुजरात के पाथावाड़ा में गंज बाजार में बेचना पड़ता है। धान मंडी में बेचने के लिए ले जाते हुए किसानों से हमने बात की। आप देखिए, ये सवेरे से ही शुरू हो चुकी है गाड़ियाँ, जिसमें गाड़ियाँ ट्रैक्टर ट्राले में डालकर ये किसान अपने मूंगफली की फसलों को गंज बाजार में ले जाने के लिए। हमने उनसे बात की कि आखिर क्या वजह है कि आप राजस्थान से गुजरात में बेचने के लिए जाते हैं, तो क्या बताया उन्होंने। हमने उनसे बात की, आई दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट और उनकी ज़ुबानी सुनाते हैं कि किस तरह से वो मजबूर हैं इस बरसात के सीज़न को आने की संभावना को देखते हुए, और भाव नहीं मिलने की वजह से और यहाँ पर उचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से भी वो मजबूर हैं गुजरात में माल बेचने के लिए। आई सुनाते हैं उनकी ज़ुबानी। जीवताराम भन्नाथ जी चौधरी, गांव सोरडा। हमारे यहाँ मूंगफली की दो फसल होती है, जो ये दूसरी फसल है। और अभी यहाँ पर पानी की तो व्यवस्था है, लेकिन बेचने की हमारे राजस्थान में व्यवस्था है नहीं, इसलिए खराब होने की संभावना से हम बाहर बेचने जाते हैं, पाथावाड़ा। बस ये जो भी हमारे खाद्य फसल है, ये मूँगफली है जो दूसरी बार हमने बोई थी, और एक बार बारिश से पहले ली थी, और अब इतना जल्दबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बारिश होने के कारण खराब हो जाती है। राजस्थान में इसलिए राजस्थान में कोई मार्केट नहीं है इतना बड़ा, इसलिए गुजरात ले जाना पड़ता है। हाँ, मेरा नाम राम Thank you.
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।